नमस्कार, द पब्लिक इंडिया के नए शो कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। इस नए शो में हम देश के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से जरूरी मुद्दे पर बातें करेंगे और आज की हमारी पहली गेस्ट हैं सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन। तो आइए बात करते हैं सुप्रिया श्रीनेत जी से। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका कैंडिड कॉन्वर्सेशन के शो में। बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा कैसी चल रही है। बहुत नमस्कार। और भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। भारतीय जोड़ो यात्रा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए अब राजस्थान की ओर अग्रसर है और पधारो हमारे देश का संगीत ऑलरेडी कानों में गूंज रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा इस बात भारत जोड़ो यात्रा में यह है कि हम सब लोग जो बहुत ज्यादा मीडिया और सोशल मीडिया पे रहते हैं, कहीं पर यह लगता है कि बहुत विषाक्त है, बहुत नफरत भर रही है देश में, जो कि एक लेवल पर सही भी है और ये इसका प्रतिबिंब है। लेकिन असल भारत में जो छोटे छोटे गांवों कस्बों का भारत है, जो दूर दराज का भारत है, जहां पर असल इंडियंस रहते हैं, ये नफरती चिंटू नहीं रहते, उनमें बहुत प्यार है, बहुत अपनत्व है, बहुत अपनापन है और वो बड़ी खुददारी से रहते हैं, अमीर हो या गरीब। और वो असल भारत जो दिखने को मिल रहा है वो अपने आप में एक तजुर्बा है और मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम है। तो भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और क्योंकि मैं तो एक दल से हूं तो जरूर कहूंगी कि विरोधियों की नाक में दम किया हुआ है इस यात्रा ने। नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूं कि जब ये कंसीव हुआ या जब ये शुरू हुआ तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब कांग्रेस के पास भी नहीं थे कि कैसी होगी, राहुल गांधी जी पूरा पैदल चलेंगे या कुछ पैदल कुछ गाड़ी से चलेंगे, रिस्पॉन्स कैसा आएगा, क्योंकि नॉन कांग्रेस रूल्ड सीट से शुरू हो रही थी। तो आपको उम्मीद थी ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा इसका? मैं आपको सही बताऊं, मुझे लगता है कि ये उम्मीद तो हम में से किसी को भी नहीं थी कि इस तरह से हाथों हाथ और इस तरह से दिल खोल कर प्यार मिलेगा। हाँ, ये जरूर लगता था कि ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है। मुझे लगता है आजाद भारत में पहली बार कोई यात्रा है जो इतनी लंबी और इतने लोग चल रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर करीब 3570 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर से ऊपर चलना आसान बात नहीं है। रोज चलते हैं यात्री, राहुल जी भी रोज चलते हैं, उनके साथ करीब जो 119 पदयात्री परमानेंट हैं वो चलते हैं, फिर जो जिस राज्य में जाती है वहां के राज्य यात्री चलते हैं, फिर अतिथि यात्री चलते हैं, फिर वॉलंटियर्स चलते हैं और आम जनमानस जो जुड़ता है वो अपने आप में वो अलग ही चलते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये लगता तो था कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ये भी लगता था कि इस देश को ऐसी यात्रा की जरूरत बहुत है। और मैं आपको बहुत ज्यादा वक्त गवाते ना हुए आपको तीन जो बिंदु हमने पकड़े थे यात्रा के पहले, और राहुल जी बहुत क्लियर थे कि हमें इसीलिए यात्रा करनी, जब हमारी मीटिंग्स भी होती थी तो वो बहुत सर्टन थे हमें यात्रा क्यों करनी है, क्योंकि इस देश में गरीबी और महंगाई बहुत है, बेरोजगारी ने लोगों का हौसला तोड़ दिया है, सपने बिखेर दिए, उनको सजोकर उनको जोड़ने की जरूरत है। इस देश में राज्यों को आपस में कभी भाषा के तौर पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी कास्ट के आधार पर, कभी रीजन के आधार पर, जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से तोड़ मरोड़ हो रही है, उसको जोड़ने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो देश के मूल ताने बाने, जिसको सोशल फैब्रिक कहा जाता है, जो हमारी तहजीब है, जिसको हम सालों से सदियों से जिस संस्कृति में पिरोए हुए हैं, उसको जो तोड़ने का प्रयास है उसको जोड़ना है। तो हम बहुत क्लियर थे, हम लोगों को यह भी लगता था कि आम जनमानस जरूर इस बात को सुनेगा और हमारी बात से शायद खुश होकर हमको आशीर्वाद देगा, लेकिन जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। शायद 8.5 साल से इस देश में लोग एक आदमी के मन की बात सुन के उकता गए थे, लोगों को लगता था कि नहीं, अब बात जो है भाई हमारी भी सुनिए, हम भी वोटर हैं, हमारी भी, हमारा भी हक है, हमारा भी वो है, हम अपनी बात करेंगे। तो मुझे लगता है वो जो आ रही है तस्वीरें, जो वहां से आ रही है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो ऐसे लोग हों जो आज भी हिंदुस्तान का तिरंगा उठाकर, मतलब कल मैं एक फोटो देख रही थी, 92 साल के व्यक्ति है मध्य प्रदेश में, तिरंगा उठाकर आज भी रीढ़ की हड्डी सीधी करके चल रहे हैं, वो हम सब लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। पर उससे ज्यादा मैं कहूंगी कि जो युवा दिख रहे हैं, जो महिलाएं आ रही हैं, जिस बेखौफी से लड़कियां चल रही हैं इस यात्रा में, एक औरत होने के नाते मुझे इसकी बहुत, मेरे लिए सबसे सुंदर तस्वीरें या तो छोटे बच्चों की होती है, क्योंकि स्वाभाविक है, शायद आपके अंदर ममत्व होता है तो बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, और या वो औरतें जो बेखौफ होके हक से बेझिझक राहुल जी का हाथ पकड़ के और कंधे से कंधा मिला के चल रही है, क्योंकि कहीं पर वो शायद उस अस्तित्व का असर्शन कर रही है
कि हमारा हक है कि हम मेन स्ट्रीम धारा में रहकर एक पॉलिटिशियन का हाथ पकड़ के सुरक्षित महसूस करें और उनके साथ चल सके। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ कि जितनी फ्रेंकली राहुल जी के साथ महिलाएं लड़कियां ऐसे आती हैं, गले में हाथ डालती, वो शायद हम लोगों ने अपनी राजनीति में, हाँ, इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं देखा है। वो एक डेफिनेटली नई चीज़ है। एक चीज़ और है, जब ये यात्रा शुरू हुई तो लोगों, भाजपा ने अटैक करना शुरू किया कि पहले तो आप कांग्रेस जोड़ो यात्रा कीजिए, गोवा में कुछ लोग छोड़ के चले गए। आप मानती हैं कि इसका एक और फायदा हो रहा है कि जिन स्टेट से गुजर रही है वहाँ पे जो भी कांग्रेस के डिफरेंट फैक्शंस हैं उनको राहुल जी साथ ला रहे हैं, क्योंकि राहुल जी के ऊपर एक और आरोप लगता था, वो एक्सेसिबल नहीं है, लोगों से जल्दी मिल नहीं पाते हैं, तो वो भी एक फायदा हो रहा है इससे? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा ये अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, मैं कांग्रेस के एक पद पर हूँ। हम एनजीओ तो है नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम जो भी करते हैं अंततोगत्वा हम बिल्कुल उसमें राजनीतिक फायदा नफा नुकसान जरूर आंकते हैं। राहुल जी शायद इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और वो अपने आप में एक बड़ी बात है, जो जो पावर को लेके उनकी विरक्ति है शायद कम लोगों की राजनीति में होगी, इसको गलत भी आंकते हैं लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक है, बेरुखी है उनकी पावर को लेकर, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपने बात कही कि धड़ जुड़ रहे हैं, देखिए राजनीति जो है, और मैं ये बहुत ही ईमानदारी से कह रही हूं कि राजनीति महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है। आपके अंदर महत्वाकांक्षा होगी तभी आप राजनीति कर सकते हैं, नहीं तो राजनीति में आना इजी नहीं है। दिन भर काम करना, लोगों के बीच बैठना, हजारों लोगों के फोन का जवाब देना, हजारों लोगों से मिलकर बातचीत करना, तो महत्वाकांक्षा बड़ी जरूरी है। वो महत्वाकांक्षा अलग अलग तरीके की होती है। एक महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करूं, एक होता है कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूं, एक होता है मैं राजनीति में भी आगे बढ़ूं, और उस महत्वाकांक्षा को मैं गलत नहीं मानती हूं। पोजीशंस कम होती है, लोग ज्यादा होते हैं, तो वो प्रतिस्पर्धा तो देखिए हर पार्टी में चलती रहेगी, और मुझे लगता है वो प्रतिस्पर्धा जरूरी है। वो शायद ये दिखाता है कि हम एक जीवित संगठन है जहां पर लोगों के बीच में आपस में मतभेद है, जहां पर लोगों के बीच में आपस में हर चीज पर हम हांजी हांजी करके एक कोरस में बात नहीं करते, हम एक रंग के रंगे हुए लोग नहीं है। हमारा जो केरला का प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बिल्कुल विभिन्न है। उनकी आकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल अलग है, उनकी राजनीति करने का ढंग अलग है, इनकी राजनीति करने का ढंग अलग है। तो हम सबसे पहले तो एक रंग से रंगी हुई पार्टी नहीं है। मुझे लगता है वी आर अ मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियोलॉजीज, क्योंकि हम एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है। आपने ये जो बात कही कि जब राहुल जी चलेंगे तो लोग जुड़ेंगे, हर चीज का फायदा होता है और इसका फायदा क्यों ना पार्टी को हो, बिल्कुल आपने सही कहा। लोगों में मनमुटाव होता है, लोगों में मतभेद होता है, जब तक मनभेद ना हो तब तक बात सही है। जो आपने ये बात कही कि लोग कुछ छोड़ के गए कांग्रेस को, देखिए कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को, मैं उस विवाद में भी नहीं जा रही हूं कि भाजपा में आंतरिक कलह कितना है। मैं राजस्थान का आंतरिक कलह या मध्य प्रदेश का आंतरिक कलह या यूपी का आंतरिक कलह या गुजरात का आंतरिक कलह की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह रही हूं एक पार्टी में हो सकता है मतभेद, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से 360 डिग्री का टर्न करके दूसरी आइडियोलॉजी में पहुंच जाते हैं तो शायद आप कभी कांग्रेस ही थे ही नहीं। और ये मैं पूरी ईमानदारी से कहती हूं, अगर आप कांग्रेस के ध्वजवाहक है, अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो आप भाजपा का दामन थाम ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी विचारधारा में बिल्कुल मतलब जमीन और आसमान का अंतर है, रात और दिन का अंतर है। तो जो ऐसे लोग जाते हैं, मुझे लगता है वो कल नहीं वो आज चले जाए तो अच्छा है। जो लोग थोड़े नाराज थे, जो लोग थोड़े आपस में भिड़ रहे थे, क्या वो ज्यादा मिलकर काम करेंगे? मुझे लगता है बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये भी सच है, और मैं कह के थोड़ा लंबा हो गया आंसर ही खत्म करूंगी, कि कोई भी यात्रा आपको बहुत बदलती है। आप राहुल जी को देख लीजिए, 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अभी तक कर चुके हैं। मुझे लगता है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उनका मुझे एक नया रूप दिखता है। जिन लोगों से मैं बात करती हूँ जो यात्रा में चल रहे हैं, उनमें एक अजीब सा ठहराव है, एक अजीब सा संकल्प है। तो जब आप इस तरह की पर्सनल विषमता से जूझते हैं तो जरूर शायद आप पेटी पॉलिटिक्स के ऊपर भी उठेंगे। ठीक है, अब एक हम लोग भारत जोड़ो यात्रा से चलते हैं थोड़ा चुनाव की तरफ। हिमाचल में चुनाव हो चुके हैं और गुजरात का लास्ट फेज होना है। एक चीज़ जो मैंने देखी कि मुद्दे लोकल रह गए, स्पेशली हिमाचल में बहुत कोशिश की बीजेपी ने कि उसको खींच के किसी तरीके से 370 पे ले आए और कहीं से लेके आए उसको नेशनल पॉलिटिक्स के मुद्दों पर,
लेकिन वो नहीं कर पाए। गुजरात में भी मोरलेस ऐसा है, वहां पे भी बेसिक मुद्दों की बात हो रही है। उसका जो मुझे कारण समझ में आता है कि शायद कांग्रेस के बड़े नेता बहुत नहीं जा पाए, स्पेशली राहुल जी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे, एक बार अभी तक गुजरात सिर्फ गए। इससे भी कांग्रेस को फायदा हुआ कि मुद्दे स्थानीय रह गए वहीं के। देखिए इसके दो जवाब हैं, राहुल जी दो बार गए, इसके दो जवाब हैं। इसका पहला जवाब तो ये कि प्रियंका जी बहुत रही हिमाचल में, वो बड़ी नेता है, राष्ट्रीय नेता है, वो कई जगह गई, उन्होंने बहुत जगह सभाएं करी, हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने सभा करी। आपने जो बात कही कि मुद्दे लोकल रह गए, इसको वही सिंड्रोम है कि ग्लास हाफ एम्प्टी है हाफ फुल है। मुद्दे असल मुद्दों पर यह चुनाव हुआ है, ये जबानी जमा खर्च पर, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान पर, ये तुम्हारा धर्म मेरे धर्म पे चुनाव नहीं हुआ है, ये चुनाव असल मुद्दों पर हुआ है। और असल मुद्दा हर हिंदुस्तानी को प्रभावित करता है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो गरीबी का बढ़ना हो, चाहे वो आय का जो जिस तरह का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है देश में, चाहे वो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने किया और हमने हिमाचल में प्रॉमिस किया और वहां पर इतने सारे सरकारी कर्मचारी हैं तो लोग मुखरित हुए इससे। मुझे लगता है असल मुद्दों पर चुनाव अंततो गत्वा लड़ा जाएगा। ये जो काठ की हांडी होती है ना, ये बार बार आप आंच पर नहीं चढ़ा सकते। और जनता ने एक ये संदेश राजनीतिक दलों को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को ये भी दिया है कि ये काठ की हांडी बार बार मत चलाइए, अंततो गत्वा हमारी पेंशन पर, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पर, हमारी बेरोजगारी पर, हमारी महंगाई पर, हमारी गुर्बत पर बात करिए। और यही चुनाव, ये मुद्दे हमने हिमाचल में देखे, यही मुद्दे हम गुजरात में देख रहे हैं। भाजपा ने कोशिश बहुत करी है, भाजपा ने कोशिश तमामो करी है कि ये मोदी जी के बारे में व्यक्तिगत बन जाए, हाय मुझे ये कह दिया गया, वो कह दिया गया। आप कुछ हुई हुई नहीं है ना, प्रधानमंत्री है तो कुछ आलोचनाएं सुनने के लिए भी तैयार रही है। मुझे लगता है कि चुनाव इसलिए मुद्दों पर है क्योंकि वो घड़ा भर चुका है, लोगों की सहन शक्ति का घड़ा भर चुका है। लोग कह रहे हैं तमाशा आप बाहर करिए, हमारे यहाँ चुनाव है, हमारे मन की बात सुनिए और हमारे मुद्दों की बात करिए। मुझे लगता है ये अच्छा शुभ संकेत है। ठीक है, आपके नए अध्यक्ष आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शुरू में बीजेपी ने उनके बारे में बीजेपी ने कहा कि वो तो रबर स्टैंप होंगे और ऐसे ही हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है खड़गे जी काफी उन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है। गुजरात में गए वो, पहले उनका कुछ ये स्टैंड होता था कि मुझे दलित नेता की तरह मत प्रोजेक्ट करिए, लेकिन जब वो गुजरात गए हैं तो वहाँ उन्होंने अपना वो उसको भी टच किया है कि नहीं मेरे हाथ के तो कोई चाय भी नहीं पी सकता है। और अब पूरा मोदी जी से लेकर के पूरी बीजेपी टूट पड़ी है, लेकिन वो डायरेक्टली उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल जी और सोनिया गांधी जी के कहने से इन्होंने मुझे ये कहा है। टफ फाइट दे रहे हैं उनको खड़गे जी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जिस तरह के अनाप शनाप बयान खड़गे जी के बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिए और अब भी जो काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक उपलब्धियों को नकारने का, उनकी अवहेलना करने का काम है। खड़गे जी 55 साल चुने हुए व्यक्ति रहे हैं, एक दो नहीं 10-10 इलेक्शन जीते हैं और हर तरह का इलेक्शन जीता है। और ये सच है कि उन्होंने वो दलित कार्ड प्रधानमंत्री की तरह नहीं खेलते कि मैं चाय वाला था या मैं फलाना हूं, वो नहीं चाहते ये कार्ड खेलना, लेकिन ये सत्य है कि वो कैसे बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक जातीय हिंसा में अपनी माँ और बहन को जलते हुए देखा है और बहुत छोटी उम्र में देखा है। वो एक मिल मजदूर के लड़के थे, उन्होंने देखा है कि क्या समस्याएं हैं और उसके बाद उन समस्याओं से जूझने के बाद वो पहले ब्लॉक की राजनीति करे, फिर उन्होंने प्रदेश की करी और फिर राष्ट्रीय राजनीति करी। मुझे लगता है कि उनका जो उनकी जो बढ़त है, उनकी जो जिसको कहते हैं उनकी जो राइज है विद इन पोलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण। और ये सिंबोलिज्म नहीं है, देखिए एक तो होता है सांकेतिक, ये सांकेतिक नहीं है। तो जब वो कहते हैं कि भाई आप बार बार ऐसी बात करते हैं, आप दूसरे का बैकग्राउंड भी देखिए ना। और उन्होंने क्या कहा था, कोई राहुल और आपको लगता है कि ये इतना ज्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी, इतने ज्यादा इलेक्टोरल एक्सपीरियंस वाला आदमी, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कर्नाटक में रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में है, एमएलए रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे केंद्र सरकार में, वो रबर स्टैंप की तरह फोन करके राहुल गांधी जी से पूछते होंगे इस पर मैं क्या कहूं। उन्होंने आपको आईना दिखाया, आईने में सूरत आपको बड़ी खराब लगी तो आपको दिक्कत है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सिंपल सी एक बात कही थी, चाहे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, मेरे चेहरे पे लड़ूंगा, मैं हूं कैंडिडेट।
आप कैंडिडेट थोड़े हैं। खड़ंजा बनाने से लेकर नाली साफ कराने का काम प्रधानमंत्री का नहीं है, प्रधानमंत्री को नीति निर्माण करना है। प्रधानमंत्री को जो 200 परमानेंट शेल्टर चीन ने बना दिए हमारी सरहद के अंदर, उसको निकाल फेंकना है। प्रधानमंत्री को दिल्ली में चिकनगुनिया कैसे ठीक करी जाएगी, ये आप काउंसिल पे छोड़िए। लेकिन हर चुनाव जब आप व्यक्तिगत बना लेते हैं तो उन्होंने कहा आपके कितने रूप है, आपके कितने स्वरूप है। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तीखी लग गई और उस बात को लेकर उन्होंने बड़ा ट्रोलिंग शुरू कर दी। लेकिन ये भी सच है कि ट्रोलिंग कर नहीं पाएंगे क्योंकि सत्य अकाट्य होता है। उन्होंने क्या ऐसा गलत कहा? और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये मैं पूरे सम्मान से, प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जिस मत से वो चुने गए मैं उसका भी पूरा सम्मान और इज्जत करती हूँ, उनके पद और प्रतिष्ठा की भी इज्जत करती हूँ। लेकिन वो भी तो अपने पद और प्रतिष्ठा की गरिमा को बनाए रखें। आप एक वैधव्य झेलती हुई औरत को कांग्रेस की विधवा कहिएगा, एक माँ को जर्सी गाय कहिएगा, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहिएगा, एक पूर्व प्रधानमंत्री को कहिएगा आप रेनकोट पहन के नहाते हैं, औरत की फोटो लगा दो अचार के डब्बे में तो बिकने लगती है, चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी कहिएगा, और फिर आपकी इज्जत हो तो आप कुछ भी बोल जाइए, हम लोग चुपचाप हाथ जोड़ के बैठे रहे। आपसे अगर थोड़ी सी आलोचना तीखी बातें हो जाए तो आप छुई हुई बन जाते हैं, आपके बददिमाग प्रवक्ता आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये राजनीति स्वांताएं सुखाए की है, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इकोनॉमी की अच्छी समझ रखती हैं, तो एक सवाल मैं आपसे जवाब चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ईमानदारी से बताएं और जो आप सोचती समझती हैं। हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट Q2 में 6.3 है, पिछले क्वार्टर में 13.4 थी। हम कहां जा रहे हैं, क्या है प्लान मोदी सरकार के पास, ईमानदारी से आपको क्या लगता है क्या होने वाला देश का? ज्ञानेश जी, ये जवाब आपका मैं सिर्फ एक कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर नहीं दे रही हूँ, ये जवाब वाकई, जी हाँ, मैं वाकई एक चिंतित भारतीय बन के दे रही हूँ। थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था की समझ रखती हूँ, 20-25 साल बजट को कवर किया और इस स्पेस को देखा है। मुझे लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक शिप है, हमारी इकोनॉमी एक शिप है जो लहरों के बीच में है। जब लहरें ऊपर होती है तो ऊपर जाती है, जब नीचे होती तो नीचे जाती है। जो कैप्टन ऑफ द शिप है या जो शिप का क्रू है उसको कोई अंदेशा नहीं है, उसको कोई समझ ही नहीं है कि ये शिप असल में, ये नौका जा किधर रही है। बिना पतवार के हम बस चले जा रहे हैं। मैं सच बताऊं, मेरा ये आकलन है। आपने पूछा हमारी जीडीपी किधर जा रही है, हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है। बहुत सारे लोग डेटा नहीं ट्रैक करते हैं। मुझे लगता है लोगों को समझना जरूरी है जीडीपी क्या है। जीडीपी इकोनॉमिक एक्टिविटी का आकलन है। जीडीपी ज्यादा होगा तो मतलब इकोनॉमी अच्छी है, बम-बम बोल रही है, बम-बम बोल रही है तो मतलब निवेश हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, नौकरियां बन रही है। इकोनॉमी घट रही है मतलब नौकरियां घट रही है। जितनी कम नौकरियां होंगी उतना कम लोग खर्च करेंगे, जितना कम लोग खर्च करेंगे उतना कम सामान कंपनियां बनाएंगी, जितना कम सामान कंपनियां बनाएंगी उतने कम लोगों को नौकरी देंगी, तो वो एक कुचक्र टूटता ही नहीं है। मोदी सरकार ने जब डिमोनेटाइजेशन किया, और मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी का बंटाधार करने में इससे बड़ा दूसरा कोई प्रहार मोदी जी कर ही नहीं सकते थे। 8.2% ग्रोथ थी, उसको 4.1% तो आपने कोरोना के एक केस आने से पहले कर दिया। उसके बाद बेरोजगारी हुई, उसके बाद लोगों की आय घटी, आपने तुगलकी फरमान लगाकर लॉकडाउन लगा दिया। पहले लोग जूझ रहे थे नोटबंदी से, उसके बाद लोग जूझे जो आना माना जीएसटी आपने लगाया बिना सोचे समझे, उसके बाद लोग जूझे लॉकडाउन से। तो इकोनॉमी को उबर पाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, इकोनॉमी उबर नहीं पा रही है और इसीलिए निवेश नहीं हो रहा है। 38,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जब देश छोड़ के चले जाते हैं और कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो टीवी पर भले आपका वंदन करें, क्योंकि उनको पता है नहीं करेंगे तो आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की रेड करा दीजिएगा, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे आपके यहां। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी छोटी सी अदनी सी राय दूं तो मेरी राय सिर्फ इतनी होगी कि अगर मेरे पेट में दर्द है और मैं डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर ये मानने को ही तैयार ना हो कि मेरे पेट में दर्द है तो वो इलाज क्या करेगा। ये सरकार तो मानने को ही तैयार नहीं है कि दिक्कतें हैं। अगर मानने को तैयार होते तो ये महानुभाव समझते कि जब आप सीना ठोक कर कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं, तो कभी सोचिए 135 करोड़ के इस देश में आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है, ये कितनी भयावह स्थिति है, किस कगार पर यह देश आ गया है। आज रेलवे की 300 नौकरियों के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, ग्रेड डी की नौकरी के लिए पीएचडी और एमबीए और इंजीनियर अप्लाई कर रहे हैं। ये इस कगार पे आप देश को ले आए। और मुझे थोड़ा सा एक मैं विवादित बात शायद बोलने जा रही हूं, लेकिन क्योंकि मुझे अंदेशा लगता है मैं जरूर बोलूंगी।
30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं ये पद, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या ये एंटी रिजर्वेशन है, क्या ये एससी एसटी दलित शोषित वंचित लोगों को नहीं रखना चाहते, क्या कारण है? मोदी जी के ऊपर इतने आक्षेप लगते हैं बेरोजगारी के, और उसके बाद भी वो ये पद नहीं भरना चाहते हैं। तो या तो इन सारे संस्थानों को हम दो हमारे दो को बेचने की तैयारी है, इसलिए उनको लीन रखा जा रहा है, और या तो वो एंटी रिजर्वेशन है, और दूसरा कोई तीसरा कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन इकोनॉमी की हालत वाकई में चिंताजनक है। ये आईना आरबीआई ने भी सरकार को दिखाया है, बार बार रेट बढ़ाकर। आय लोगों की कम हुई है, बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई पर में जब आप आटा गीला कर देते हैं जीएसटी लगाकर, तो ये दिखाता है कि सरकार कहीं पर संवेदनशीलता का आडंबर भी नहीं ओढ़ना चाहती है। आज हवाई चप्पल और आटे पर भी जीएसटी ये पूरा देश दे रहा है। तो जो एक इनकम टैक्स लॉबी बात करती थी पहले, उनको बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि इस देश का सबसे गरीब आदमी आज आटा खरीदने पर भी जीएसटी दे रहा है। ठीक है, चलते चलते एक, चूंकि हमारे इस शो का नाम है कैंडिड कॉन्वर्सेशन, एक आपसे व्यक्तिगत सवाल है, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि राजनीति में बहुत सी लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, मुझे लगता है कि राजनीति थोड़ी मुश्किल भी है, और ख़ास करके अगर आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हों। आप एक बड़ी जॉब छोड़ करके आई थी पॉलिटिक्स में, पहला चुनाव आप हारी, आप कैसा पा रही हैं विरोध विपक्ष की पॉलिटिक्स करके? मैं आपको दिल की बात बताती हूँ, और क्योंकि ये कैंडिड है, मुझे लगता है विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है क्योंकि ना आपके पास संसाधन है, ना आपके पास संस्थाएं हैं, ना आपके पास साधन है, ना आपके पास पावर है, और जो दूसरी साइड है उस वो पैसा बेतहाशा बहा सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स सबसे बड़ा पैसे का करप्शन है। उसके पास देश का मीडिया है, जो कि एक्चुअली एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसको विपक्ष की और लोगों की आवाज बनना चाहिए, वो चरण चुंबन और चरण वंदन में लगा हुआ है। तो मीडिया पर कंट्रोल है, पैसे पर कंट्रोल है, और सबसे ज्यादा संस्थाओं पर कंट्रोल है। जो संस्थाएं फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी को निहित करती है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो भाजपा की फ्रंटल बन चुकी है। तो विपक्ष की राजनीति करना मुश्किल काम है, और इसीलिए मुझे लगता है जो कुछ लोग छोड़कर जाते हैं और उनको पीछे की रोमर में हाथ पे हाथ धर के बैठना स्वीकार होता है, वो शायद इसलिए है क्योंकि आज के दौर में विपक्ष की राजनीति करने के लिए कलेजा चाहिए। अगर आज के दौर में हमारी 75 वर्ष से ऊपर की प्रेसिडेंट को एक बेकार के केस में, जो सबको पता है मनगढ़ंत है, जिस पर 8 साल से कुछ नहीं हुआ, ईडी बुलाकर पूछताछ की जा सकती है, तो सोचिए आम छोटे कार्यकर्ताओं छोटे नेताओं के लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन इसी में अवसर भी है, और अवसर यह है कि हर तानाशाह डरता बुलंद इरादों और आजाद आवाज से है, और जितनी आजाद और जितनी बुलंद आवाज हो सकती है वो करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। बहुत मजा आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इनकी बखिया उधेड़ो और सच्चाई दिखाओ तो बेचारे डरते बहुत है, डरपोक बहुत है। दूसरी साइड थोड़ी निडर होती तो लड़ने में ज्यादा मजा आता, डरपोक बहुत है। इनके बारे में कुछ बोल दो तो पहले रोने लगते हैं, बाद में कुछ प्रतिशोध कर पाते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आज से 10 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद उसमें कुछ रोल हम लोग भी प्ले कर पाएंगे कि इस देश की के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की निष्पक्ष आवाज को बचाने के लिए हम चुप नहीं बैठे थे। नहीं, आपकी आजाद आवाज तो पूरे देश में प्रसिद्ध है, और बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम फिर जल्दी ही आपसे बात करेंगे देश के कुछ जरूरी मुद्दों पर। धन्यवाद सुप्रिया जी, बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया।